हेलो 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 सी यू मटियस फ्रेंड्स, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। कैसे हैं सभी लोग? सो हेलो गाइस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सी यू टी एप्लीकेशन फॉर्म। हालांकि बड़ी खबर निकल के आ रही है एनटीए की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, यूजीसी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एनटीए एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ने पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म की डेट फिर से एक्सटेंड कर दी गई है। जी हाँ, तुसी बिल्कुल ठीक सुना है, आपने बिल्कुल ठीक सुना है गाइस। सी यू ई टी पी जी के एप्लीकेशन फॉर्म अगेन एक्सटेंड टिल 10 जुलाई शाम को 5 बजे तक। जी हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस रिलीज कर दिया गया है एनटीए की तरफ से। आप जो पेमेंट है वो 11 जुलाई तक रात को 11:50 तक कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है वो जो है एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर फिल करें, ठीक है। नोटिस के बारे में बता देते हैं, क्या नोटिस रिलीज किया है। एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एंड फर्दर करेक्शन फैसिलिटी। ओके, सो इसमें क्या दिया है, इन दिस पब्लिक नोटिस डेटेड 19/5/2022 एंड 18/6/2022 एंटी है डिसाइड टू एक्सटेंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सी यू ई टी। ओके, सो जो है करेक्शन इंक्लूड सेंटर सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन ईटीसी इन द पर्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म सेल बी एज फॉलोस। सो जो करेक्शन है वो 12 जुलाई से 14 जुलाई तक किया जाएगा। नोट करेक्शन इन द पर्टिकुलर इन द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एक्सेप्टेड एंड सबमिशन एडिशनल फीस डिपेंडिंग ऑन द चेंजेस मेड इन फॉर्म अप टू 11:50 PM ऑन 14 जुलाई। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अंडरटेक द करेक्शंस वेरी केयरफुली एज नो फर्दर चांस टू करेक्ट विल बी प्रोवाइडेड फॉर कैंडिडेट आफ्टर अबव द मेंशन करेक्शन पॉलिसी। ओके, सो जो है करेक्शन पॉलिसी के अंदर क्या लिखा गया है, राइट। अब अपन कुछ करेक्शन की बात कर लेते हैं कि करेक्शन का क्या सारा प्रोसेस रहने वाला है। सो यार, जो भी स्टूडेंट है जिनके जो करेक्शन के अंदर स्पेशल एग्जाम सेंटर का इश्यू है या फिर जो है सिटी का इश्यू है, तो अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है आपकी नाम एंड अदर, तो उसके तो कोई भी चार्जेज नहीं है। लेकिन अगर आपके मेजर इश्यू है, जैसे आपके कोई सब्जेक्ट में करेक्शन है, आपने सब्जेक्ट कोड गलत डाल दिया है, अगर आप कोई अलग यूनिवर्सिटी ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है चार्जेस लगेगा, ठीक है, साफ साफ मेंशन किया गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंसर्न था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है, बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म पहले ही फिल कर दिया था। बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो कि 25 तारीख को ऐड हुई है, यानी कि 25 जून को ऐड हुई है। अब अगर वो यूनिवर्सिटी बाद में ऐड हुई है तो अगर हम उनको ऐड करें तो हमारा कोई भी चार्जेस नहीं लगना चाहिए ना, राइट। तो ये सारा सीन है। तो जस्ट जो है आपको यूनिवर्सिटी वगैरह ऐड करने का मौका दिया जाएगा। करेक्शन के अंदर बेसिकली आप क्या क्या कर सकते हो, कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप करेक्ट नहीं कर सकते, जैसे आप अपना ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर चेंज नहीं किया जा सकता, ओके, एंड कुछ बेसिक जो इश्यूज है वो आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, आप नाम चेंज कर सकते हो। नाम वगैरह तो बेसिकली आधार कार्ड के बेसिस पे वही लिखा होगा आपने जो आधार कार्ड में था, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन चेक कर रहे थे ये लोग। डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो चेंज आई थिंक आपका कोई इश्यू होगा नहीं, अगर है तो जस्ट लाइक मेजर जो प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा जो कंसर्न मेरे को वो लगता है वो है पेपर कोड, राइट। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने पेपर कोड में मिस्टेक किया है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पेपर कोड में मिस्टेक किया है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी एडिंग में मिस्टेक किया, किसी ने ज़्यादा डाल दिया, किसी ने कम डाल दिया, ठीक है। ज़्यादा वाला तो कोई इशू नहीं, कम वाला इशू है कि मैंने कम यूनिवर्सिटी डाला, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट कोड जो है आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं नया, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने MSc बायोटेक्नोलॉजी करना था या MSc मैथमेटिक्स करना था, उन्होंने जो है MSc जूलॉजी डाल दिया, ठीक है। किसी को BA होनर्स करना था, उन्होंने क्या डाल दिया, हिस्ट्री डाल दिया, राइट। सो जो है आप यू कैन चेंज नाउ, आप जो है चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये एक काफ़ी बड़ा अपडेट था। इसके साथ ही जो आपको एक अच्छी अपडेट बता देता हूँ, हमारी टीम की तरफ से निकल के आ रही है, जो मैंने पहले भी आपको बताई है, पीवो बिस्लेरी, ठीक है। तो हमारा जो है मिशन काउंसलिंग प्रोग्राम चलता है, जिसके अंदर जो हम टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर गारंटेड गवर्नमेंट सीट अलॉट कराते हैं इन योर प्रोग्राम, ठीक है। स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, DU, जामिया, BHU, AMU एंड अदर काउंसलिंग के जरिए, ठीक है। बेसिकली आपके लिए कोई सीट क्रिएट नहीं की जाती,
तो जस्ट जो है आप हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसके स्पेशली उसके अंदर जो आपको जो टेस्ट सीरीज भी दी जाती है, आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए, ठीक है। और बेसिकली जो हमारे काउंसलिंग इस प्रकार से होती है कि जो है आपके अगर कम मार्क्स भी है देन माई टीम इज ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट एडमिशन इन टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड गुड गवर्नमेंट कॉलेजेस बेसिक सीनियर इन दिस इंडिया, ठीक है। तो जस्ट आप जो है आपका अगर इंटरेस्ट है देन यू कैन परचेज नाउ द काउंसलिंग। लेकिन हाँ, आपको एक अच्छा टॉप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पहुँचा जरूर दिया जाता है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अगर एडमिशन नहीं होता है देन एज पर पॉलिसी विल प्रोवाइड रिफंड, लेकिन इसका कोई इश्यू नहीं आता। एंड इंजीनियरिंग वाला वर्किंग इन दिस फील्ड लास्ट 3 ईयर्स, थैंक यू सो मच। खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। अब जो है करेक्शन की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। करेक्शन जो होगा वो होगा 12 जुलाई टू 14 जुलाई 2022 तक, ठीक है। थैंक यू।